بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق اور مالک واسطے بے شمار انگنت درود و سلام نبی مکرم رحمت مجسم امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے پیار محبت نال صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم محترم دوستو بزرگو بھائیو رمضان مبارک دیاں آخری گھڑیاں نے اور قیمتی راتاں وچوں ایک رات ہے اور اے رات یقیناً بڑی عظمت والی بڑی شان والی بڑے مقام والی لیکن اس رات نو عظمت ملی کیوں ہے اس رات نو عظمت تا ملیے اللہ نے اس رات دے اندر قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن دی بدولت نسبت دی وجہ کر کے جویں جویں تعلق جدا جدا ہوندا گیا اللہ نے اویں ہی شان عطا فرمائی ویکھو نا ایک ورقہ اخبار دے ایک ورقہ عام جغرافیہ دی کسے کتاب دے ایک ورقہ اور کسے نہ کسے ناول دے اے سارے کاغذ نے تے کاغذاں دا کی حال ہوندا ہے کنا کو احترام ہے کنا کو انہاں دا لیکن نسبت جدو قرآن دی مل گئی نا ایک او ورقہ ہے ایک او کاغذ ہے جدے اوپر اللہ دا قرآن لکھے ہے قرآن دی نسبت دی وجہ کر کے اللہ نے اس ورقے نو بھی عزت دے دیتی قرآن دی برکت دی وجہ کر کے اللہ نے رات نو بھی عزت دے دیتی اور کنی کو ملی اللہ فرما دے نے کہ اے رات جڑا بندہ جاگ لیندا ہے 80 سال اور 4 مہینے دی اللہ ثواب عطا کر دیندا ہے 80 سال اور 4 مہینے دی عبادت دا اللہ ثواب دے دیندا ہے تھوڑا تھوڑا اگے آ جو ہاں اللہ پاک جزائے خیر دے اور قرآن دا مسئلہ بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ لَكُمْ اللہ فرما دے جدو تو کیا جانا اگے کہ ہو جو تو پھر ہو جایا کرو
ते अल्लाह आंदे ने जो तुसी जो तुहानू अलग अलग किया जाए उवें भी हो जाया करो, अल्लाह तुहानू उच्चियां कर देगा। तो तवज्जो मेरी तरफ रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की निस्बत की वजह करके रात नू इज्जत अता फरमा दी। इवें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, के बेशक असाने कुरान उतारिया ते बरकत वाली रात विच उतारिया। ये रात बरकत वाली है, बोलो रात, रात बरकत वाली है, उतारने वाली जात बरकत वाली है, जेड़ी जात दे उत्ते आया वो जात बरकत वाली है, और जिन्ना शहरां विच आया शहर बरकत वाले ने। वो उतारने वाली जात अमीने, लियोन वाला जबरील अमीने, ते जिन्ना शहरां विच आया वो सराफा अमीने, ते जेड़े मुस्तफा ते आया वो रहमत लिल आलमीन। वेखो ना अजमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिमें जिमें कुरान नाल लगदा गया उवें इज्जतां मिल गईयां ने। ते अल्लाह पाक फरमांदे ने ए जिन्ना शहरां विच कुरान नाज़िल होया उन्हां दी शान किन्नी है। अल्लाह फरमांदे ने ला उकसिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह करीम कसमां खांदे ने किते फरमाया वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने लोगो ओ सारे घर बरकत वाले ने, हरमैन शरीफैन शाना वाले ने। अल्लाह दी कसमे ओ जगह ते है ही सुकून वाली है, ओ जगह ते है ही मुहब्बतां वा, ऐवें नहीं। बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह इन्हां गल्लां दे विच तड़फ जांदे, अल्लाह मुद्दत होई है सिकदियां नूं हुण जोगी सांग बनानु जी करदा, तेरे कर दे दवाले पज पज के मुजरा दिखलानु जी करदा। अल्लाह जी करदा नाले दिल किरदा सावा गुंबद अखियां दे विच फिरदा। अल्लाह सोनिया जी करदा नाले दिल किरदा सावा गुंबद अखियां दे विच फिरदा। ते लफ्ज़ वेखो किड्डे प्यारे ने, अल्लाह जिथे बाबा समसाम लेटिया करवट करवट रहमत फरमा, आंदे ने अल्लाह जी करदा नाले दिल किरदा सावा गुंबद अखियां दे विच फिरदा। ते जिन्ने सारी दुनिया ठार दिती मेरा भी ठंड पान नु जी करदा। अल्लाह मुद्दत गुजरीए सिकदियां नूं हुण जोगी सांग बनान नु जी करदा। बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह इन्हां चीज़ां दे अंदर तड़प जांदे, क्यों? ये शहर इज्जत वाले ने, ये सारियां जगह एहतराम वालियां ने। ते एहतराम क्यों मिले? अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। अल्लाह पाक फरमाते ने असा कुरान बरकत वाली रात के अंदर उतारिया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने लोगो कुरान उतरिया किथे हुए व इज जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास व अमना, ये सारी अमन दी जगह है। ये कुरान किते मेरे भाई मक्का शरीफ के अंदर उतर रहा है, किते मदीने के अंदर आयतां नादल हो रही ने, किते हुदैबिया
ते नादल हो रही ने किते मेरे भाई तैब दे अंदर नादल हो रही ने जिथे जिथे मेरा मुस्तफा गया है अल्लाह ने उत्थे उत्थे कुरान नादल कर दिता है और लोगों नू दस दिता कायनात दे लोगो ये कुरान दी शान है जिथे जिथे कुरान लगता गया वो जगह इज्जत पा गई ने वो सारी इज्जत पा गई ने और मेरे भाई जे जगह ते कुरान नादल होवे वो जगह नू अल्लाह मुकाम दे दिंदा है और मेरे तवज्जो मेरी तरफ करे आजे अल्लाह दी कसम जेड़े दिल विच कुरान उतर जाए वो दिल नू भी अल्लाह इज्जत दे दिंदा है वो भी ते कारी ने ना कुरान पढ़ने वाले जेड़े हरमैन शरीफैन दे इमाम उन्हां दी इज्जतां ने उन्हां दा मुकाम है अज भी जो मुसल रसूल ते खड़ोंदा उहदा मुकाम है उहदी इज्जत है उहदी मनकबत है उहदा एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शान बनाया है ये वखरी गल है कि लोग शान खराब करदे फिरन और मेरे भाई जेड़े दिल दे विच कुरान आ गया है वो ते दिल भी इज्जतां पा गया है वो दिल ते शाना पा गया है इस वास्ते मेरे भाई ये कुरान है कि ये अल्लाह ने एक और मुकाम ते फरमाया है वनु नज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन और लोगो असा इस कुरान उतारे है ते तुहाडे लई शफा बना के इस कुरान उतारे है तुहाडे लई रहमत बना के शफावां इवें वी ने ए बीमार दिलां दे इलाज करदा है बीमार दिलां दे और जड़े जाहिल लोग ने उन्हां दे दिलां दे इलाज कर दे ते कुरान कर दे किवें कर दे मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आन वाला आया है एदा नाम उतबा आ करके काफर मक्के दे काफरां ने भेजे है उतबा जा जा करके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कह दे ए पाक पैगंबर तू जो चाहना असीं मन लैने जे तू चाहना है कि दुनिया जहान दी या अरब दी खूबसूरत औरत तेनू चाहिए ओ तेरे कदमां अंदर लिया करके खड़ी कर देने हैं जे तू चाहना है कि तेनू साड़ी हकूमत या साड़ा ताज तेरे सर ते आ जाए चुदराहट तेनू मिल जाए ते ओ तेरे सिर ते सी पगड़ी रख देने हैं जे माल चाहना है असा तेनू माल दे ढेर ते अंबार लगा देने हैं तू एक गल साड़ी मन लै असा जेड़ी गल तू ने मन लेने तू सारा काम कर ले पर कुरान ना पढ़िया कर की ना पढ़िया कर कुरान ना पढ़िया कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दियां गल्लां सुन दे आ फरमांदे ने उतबा गल कर लियो उतबा दा जी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपना पैगाम तुहानू पहुंचा दिता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने फिर मेरा पैगाम ही सुन लै हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंजलनाहु إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ सूरह हामीम सजदा दी तिलावत शुरू कर देंदे ने नबी पाक पढ़दे फी आयुफरकु कुल अमरिन कुरान दी आयतां पढ़दे अगे जिथे जाके सजदा आंदा है उथे मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम कुरान पढ़दे सजदे अंदर जांदे ने एक काफर जिहड़ा मेरे पैगंबर नू रोकन आया मेरे नबी दे नाल सजदे तुर गया कुरान इलाज भी है काफरां दा इलाज है जाहलों दा इलाज है और मेरे भाई कुरान इलाज ही इलाज है इस वास्ते जदों इन्हे कुरान सुने है कुरान सुनन तो बाद ये उतबा वापस जांदा है ते सारे मक्के वाले इकट्ठे होके आंदे ने पता करो उतबा आया है की रिपोर्टां लै करके आया है इहदे कोल की तासुरात ने पैगाम दा जवाब लै करके की आया है हुण काफरां दे कोल आया है ते आ करके उन्हां सारिआं नूं आंदा ओए तुसी सारे मुहम्मद दी मुखालफत छड़ दे हो
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई एक कुरान दा इनकलाब है, कुरान जिथे जिथे गया है ओए गलाजत परे दिलां नूं साफ कर दिता है, शिरक दे परे होए मुजस्मियां नूं पाक कर दिता है, बड़ियां बड़ियां जहलां दे नाल मेरे भाई जहालत दे नाल ते तंगी ते खराबियां दे नाल परे होए जिहड़े दिल ने उन्हां ते कुरान ने असर कीता है, उह सारियां दे अंदर इनकलाब पापा हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक और मेरे मुस्तफा दे कोल आण वाला काफरां ने बड़ा पेपर है, काफरां ने दे कन्नां अंदर बड़े बड़े तरह तरह के जुमले बोले ने, आंदे ने ओए तुफैल तू जम जम आ बैतुल्लाह दा तवाफ कर ले, फला अजल भी कर ले, हजरे अस्वद नूं भी चुम ले, जिवें मर्जी इत्थे लगा फिर, पर एक साडी नसीहत नूं जरा ध्यान दे नाल कन्न दे अंदर बैठा ले, एक साडी गल दे उपर पक्का रवी, तू जो मर्जी करदा फिर पर मुहम्मद दे मत्थे ना लगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मेरे भाई ए तवाफ आखिरकार आंदा मैनूं इन्ना इन्ना लोगां ने भरिया, इन्नी इन्हां ने मैनूं चोक दित्ती, इन्नियां इन्हां मैनूं तरह तरह दियां गल्लां कीतियां, मैं रूह दे बुढ़े बना के अपने कन्नां दे विच लै लै, अल्लाह अकबर कबीरा, कि किते मेरे मत्थे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लग जान। आखिर करदियां करदियां चलदियां चलदियां तवाफ करदियां करदियां मेरे सामने एक सोने मुकड़े वाला खड़ा हो गया। केड़े मुकड़े वाला? वे सुना जिस किसी ने है नामे मुहम्मद, सुना जिस किसी ने है नामे मुहम्मद, हुआ जान दिल से गुलामे मुहम्मद, हुआ है न होगा, हुआ है न होगा, मुयस्सर किसी को बुलंद इस कदर है मकामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंदा एडे सोने चेहरे वाला आ करके मेरे सामने खड़ा हो गया है, एडा सोना चेहरा मेरी अखां ने कदी तकिया ही नहीं, कदी वेखिया ही नहीं, आखिरकार जदों मेरिया अखां ने इस चेहरे नूं वेखिया मैं अपने आप नूं मलामत कीती, मैं क्या ओए तुफैल तू ही ते सरदार आदमी है, तू ही पंचायतां दे विच बैठन वाला बंदा है, तू ही भले ते बुरे नूं परखण वाला बंदा है, ओ यार तू ही ते अपने आप नूं सियाणा ते बड़ा पंचायती जड़ा मनना वे, अल्लाहु अकबर कबीरा, ते क्यों ना होए तू अपने अपनी इस्लाह कर ले, अल्लाहु अकबर कबीरा। आंदा मैं कन्ना दे बुड़े कढ़ दिते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीआं बातां सुणीआं, बातां सुणन तो बाद इंदे दिल दे अंदर कुरान ने जड़े जंग लगे सी फौरन उतार दिते, उतारन तो बाद आखिरकार ए तुफैल जिन्हों बड़ा भरिया गया सी, जिदी बड़ी जड़ा तरीके दे नाल जनाब गंडा मारियां गईयां सी, आंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सिर्फ चंद ऐतां कुरान दियां सुनियां ने, उत्थे ही आंदा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई इस तरह बंदा ए मुसलमान होया तो मैं अर्ज कर रहा वा, ये कुरान ते है ही होवे, वनु नज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान मोमना वास्ते शिफाए रहमत भी है। ओ मेरे भाई जेड़ी ऐसी रहमत है, बड़े बड़े सख्त दिल ने जड़े ओ भी आखिरकार बदल गए, हिंदा तो किदा ज्यादा दिल सख्त होवेदा, कौन हिंदा हजरत अबू सफियान दी बीवी सारा रात नु भी दिन नु भी इन मिन्नतां करदा रहा सरदार अबू सफियान के मक्का फतह हो चुके है, बड़े बड़े सरदारा ने अपनी तौणा नवा दित्तियां ने, यह हिंदा
आखिर तू ही ते मुसलमान बन जा, क्योंकि तेनू मजबूरन मनना ही पैना है, तेनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने ताब्यादार होना ही पैना है, वरना तेरी गर्दन उतार दी जाएगी। एडी सख्त दिल वाली बीबी आंदी है मैनू कुछ भी हो जाए मैं बदलन वाली नहीं हाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आखिरकार इस बीबी ने बड़िया एदियां गल्लां सुनियां हज़रत अबू सुफियान दियां, पर ये टस तो मस नहीं होई। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर वक्त गुजरता गया, हुण सुबह दा टाइम होया ते अबू सुफियान जदों घर आया वेख्या बीबी बैठी कलमा पढ़ी जा रही है, मुसलमान हो चुकी है। अबू सुफियान हैरान हो करके आंदा है, बी ए हिंदा ए तेरा केड़ा मामला है, ये केड़ी तेरी अकल है, मैं सारी रात तेनूं समझांदा रहा इस्लाम दियां बातां भी कीतियां ने, पर तेरे दिमाग विच गल बैठी को। एडी सख्त बीबी जिदे मुतलक बड़ा मारूफ है, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला नो जदों शहीद होए उन्हां दा कलेजा उन्हां दा इस तरह दे कई चीजा नू इन्हें जनाब चबा करके मुंह दे अंदर पा लिया, हार बना करके गले दे अंदर लटका लिया। बड़ी सख्त बीबी। लेकिन मेरे भाई मैं दसना है चाहना वा, कुरान ऐसी रहमत है, जदों ते आ जाए ते शिरक दे जंग दूर हो जांदे ने, बिदात दियां सारियां अंधेरियां दूर हो जांदियां ने। हुण ए बीबी जदों कलमा पढ़ लिया ते अबू सुफियान सवाल करदा है, ए ते दस। आंदी है मैं कुछ वेख करके मुसलमान होई आ, मैं वेखिया की ए कि जदों सानू कोई इज्जत मिलदी है, यानी काफरां लोगां नू जदों कोई हकूमत मिलदी है, जदों कोई कामयाबी मिलदी है, जदों कोई फतह मिलदी है, असीं बड़ा जनाब उत्थे पुड़कने आ, तरह तरह के भंगड़े पाने, शराबा चलदिया ने, और तरह तरह की असी बकवास यात और हर तरह दयाशिया बदमाशियां असी करने। पर मैं रात को ये नबी पाक के परवानिया वेख्या है, सोने मुहम्मद वेख्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हों जनाब वेख्या है, अल्लाह ने इन्हों फतह दी है, तो ये सारी रात ही इन्होंने सजदिया के क़यामा के अंदर कुरान पढ़ पढ़ के गुजार दी। बस कुरान दी ऐसी शरीनी मेरे कन्ना दे अंदर आई है ते मैं मुसलमान हो गई। मेरे भाई सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला उन्होंने भी कुरान दे जुमले ही सुने सी ना, उन्होंने भी कुरान दे जुमले ही सुने सी, ते उन्होंने आख्या सी ना, अपना ही सावा देंदे वेखो दलेरियां, फातमा कुट के बन ले मुश्कान मेरियां, ते वीर दियां बावां पैन पिशानू वलेरियां, साफे दी गंड पैन कस के मार दी चोक मदीने वाले अहमद मुख्तियार दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक कुरान उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने सुनिया सी, कुरान सुनन तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल पहुंचे। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कोई कहण वाला कहंदा है, अल्लाह दे पैगंबर उमर आ रहा है, परेशान हो करके मेरे मुस्तफा फरमांदे ने उमर आ नहीं लिया, मेरा अल्लाह उमर नूं ले आ रहा है। आके ते सारियां गलत फहमियां दूर, अल्लाह दे रसूल कुरान मैनू भी सिखाओ, कलमा पढ़ाओ, अपना मुरीद बना लो। और मेरे भाई यही कुरान है जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल सिहाबा नू दूरों दूरों ले आंदा। कोई सी जनाब रूम दे विच्चों आ रहा है, कोई फारस दे विच्चों आ रहा है, कोई किसे मकाम तो आ रहा है, कोई हबश दे विच्चों आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते कुरान सुन सुन के आ रहे ने, ये कुरान दिलां दे उपर ऐसा मुहब्बत दा इन्ने अपना जड़ा दिलां दे उपर इनकलाब बपा कीता। ये कुरान पढ़ पढ़ के इन्हां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुरीद ऐसे मुहब्बतां वाले बना छड़े, ऐसे प्यार वाले बना छड़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सिहाबी हजरत खुबैब बिन अरद रजी अल्लाह तआला नो हजरत उमर वेख कर कहंदे ने, ए खुबैब ए ते वेख आ तेरी कंड दे पिछे कितना बड़ा जनाब, तेरी हड्डी जली
ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਬਾਬ ਬਿਨ ਅਰਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗ ਵੀ ਬੁੱਝਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬੁੱਝਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪਰੋਇਆ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਤੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਹਦ ਆਹਦਾਨਾ ਏ ਤੂੰ ਬਿਲਾਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਫੋਂਕ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਇਨ ਆਮਨੂ ਬਿਮਿਸਲਿਮਾ ਆਮਨਤੁਮ ਬਿਹਿ ਫਕਦ ਇਹਤਦਉ ਵਇਨ ਤਵੱਲਉ ਫਇਨਮਾ ਹੁਮ ਫੀ ਸ਼ਿਕਾਕ ਫਸਯਕਫੀਕਉਮੁਲਲਾਹ ਵਹੁਵਸ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਅਸਦੁਲ ਗਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੁਲ ਗਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੈਸੀ ਏ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਲੋਗੋ ਔਰ ਕਾਫਰੋ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਏਵੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਾ ਪਕੜਿਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਬ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਤੁਲੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਓਏ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਨੇ ਹਾਂ ਕੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੈਸਾ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਠਾਨ ਲਈਏ ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਰਕ ਮੱਕੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਪਰੇ ਝੂਠਿਆ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਖੂਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲੈ ਫੁੱਲ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਾ ਪਕੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੁਫਸਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫਲ ਨੀਤੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਲੋਗੋ ਕੁਰਾਨ ਕੈਸੀ ਕਿਤਾਬ ਏ ਕਿਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਏ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸਮਝ ਲੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੈਸੀ ਏ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਿਹਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਅਰਬ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਨਾ ਅਰਬੀ ਕੁਰਾਨ
कुरान दी समझ ते ए वी रही सी, कुरान दे लफ्ज तेंदे कन्ना दे अंदर भी गूंज रहा सी। ए सारी रात इदियां मिन्नतां करन तो बाद जदों तहज्जुद दा वेला होया, ए बीबियां दियो अल्लाह वालिया जदों सलाम फेरिया ते आंदी ए, ओ अल्लाह वालिया मैं ते नहीं बदल सकी पर मैनू तू अपने वर्गा बना ले। कलमा पढ़िया ते मुसलमान बन गई। ए है वनु नज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। मेरे भाई ईमान वालों वास्ते शिफा है और ये कुरान अल्लाह की रहमत भी है। ये कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम ही इनाम रखे ने, दुनिया की इज्जत भी कुरान के अंदर, आखरत की इज्जत भी कुरान के अंदर। अल्लाह मेरा थोड़ा खात्मा ईमान के ऊपर फरमाए और कुरान नाल अल्लाह सच्ची सुची मुहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।